हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम टॉपिक जो सीखने वाले हैं उसका नाम है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इसमें क्या फ़र्क है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये दोनों अलग अलग है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ट्रू स्केल, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक ड्राइंग। यानी हमारे जो हर रोज की पट्टी है, जो स्केल हम यूज करते हैं, इससे हम ड्राइंग निकलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए हमें आइसोमेट्रिक स्केल लगता है, द आइसोमेट्रिक व्यू। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन is that isometric view drawn with the help of isometric scale is called isometric projection। यानी isometric drawing के लिए हमारा regular scale use करते हैं और isometric projection के लिए हम isometric scale तैयार करना पड़ता है या market में मिलता है ready-made, उसका use करना पड़ता है। isometric drawing में जो हम drawing निकालते हैं isometric drawing, वो हमारे रेगुलर स्केल से निकलती है, इसलिए उसका 100% यानी बड़ा व्यू आता है। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन निकलते समय क्या होता है, रिड्यूस होता है, थोड़ा सा 80% उसमें कम होता है। एज दिस ड्राइंग इज ड्रॉन विद द रेगुलर स्केल 100% इट इज़ नोन एज ट्रू स्केल, एंड दिस इज ड्रॉन विद द आइसोमेट्रिक स्केल से 80% मीन्स आइसोमेट्रिक स्केल इज इक्वल टू 0.826 इंटू ट्रू स्केल। यानी आइसोमेट्रिक स्केल हम जब निकालते हैं, तो आइसोमेट्रिक स्केल में जो हमारा ट्रू स्केल है, यानी हमारा रेगुलर नॉर्मल जो स्केल है, उससे 80% डिस्टेंस कम होता है। कैसे देखो, अभी हमें आइसोमेट्रिक स्केल तैयार करना है, समझो ड्राइंग पेपर पर। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग स्केल तैयार करते समय बेस लाइन लिया पहले, ये जो लाइन है वो 30 डिग्री में लिया, और बाद में दूसरा जो लाइन है ऊपर वाला वो 45 डिग्री में लिया। इस तरह के से ये दो लाइन निकाले पहले, एक 30 डिग्री में और दूसरा 45 डिग्री में। इधर दिया एंगल देखो, 30 और 45। अभी ये जो 45 डिग्री का लाइन है उस पर हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा, वो हम रेगुलर स्केल से लेते हैं। ऊपर का जो 45 डिग्री का है उस पर रेगुलर स्केल से लेने का जो डिस्टेंस है वो 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर ऐसे। अभी ये जो 45 डिग्री का लाइन्स है उस पर जो डिस्टेंस लिया है, उधर से वर्टिकल लाइन्स निकालने का, यानी हर एक पॉइंट से, समझो 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर से वर्टिकल लाइन निकाला बेस लाइन पर, राइट एंगल में 90 डिग्री में आना चाहिए। 13 से 12 से ऐसे, 10 से 9 से, 6 से, 5 से, 4 से, ऐसा हमें वर्टिकल लाइन जब निकालेंगे बेस लाइन को, तो हमें इस 30 डिग्री लाइन पर कट मिलते हैं। 1, 2, 3, 4 अप टू 15 दिखाया है। तो ये जो स्केल इधर तैयार होता है 30 डिग्री एंगल पर, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल कितना रिड्यूस होता है देखो, ये जो लाइन है उससे, इस लाइन पर जो हम निकालते हैं तब आइसोमेट्रिक स्केल पर ट्रू स्केल से 0.826 इतना कम होता है। यानी ये जो 1 सेंटीमीटर रहेगा, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 0.826 इतना जो हम कैलकुलेशन करेंगे उतना कम होता है। यानी समझो 1 सेंटीमीटर लिया तो 0.8 सेंटीमीटर यानी 8 मिलीमीटर तैयार होता है, 10 मिलीमीटर का 8 मिलीमीटर, ऐसा राउंड फिगर देखेंगे तो। तो आइसोमेट्रिक स्केल में ये दिखाया देखो ब्लॉक, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में पहले दिखा है, यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कैसा डिफरेंस दिखाई देता है देखो। अभी बेस लाइन को हमने 30 डिग्री पर रखा, आइसोमेट्रिक निकालते समय जैसे निकालते हैं वैसा दोनों बाजू से 30 डिग्री निकाला, बाद में वर्टिकल लाइन, इस तरह से आइसोमेट्रिक हम निकालते हैं, हमको मालूम है। लेकिन इस पर जो डिस्टेंस लिया वो रेगुलर स्केल से लिया, ये 30, ये 30, वर्टिकल भी ये 30, ये 30, सब 30 डिस्टेंस लिया रेगुलर स्केल से, इसलिए ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग तैयार हुआ। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन निकालते समय
हमें डिस्टेंस कम मिलता है, अभी 30 समझो हमें निकालना है, तो 30 इंटू 0.826 यानी आइसोमेट्रिक स्केल निकालते समय 0.826 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 30 इंटू 0.862 होता है हमारा 24.78 यानी अप्रोक्सीमेटली 25। तो हमें 25 ये लेना पड़ेगा, नहीं तो इधर जो ड्राइंग हमने तैयार किया है आइसोमेट्रिक स्केल, तो आइसोमेट्रिक स्केल से ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा 0 टू, हमें 30 चाहिए, तो ये 30 इधर से लेना पड़ेगा, ये 30 इधर से इधर तक आया, ये भी डिस्टेंस इधर से इधर तक, इधर से लिया आइसोमेट्रिक स्केल से और इधर ट्रांसफ़र किया, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो समझ में हम ले सकते हैं कि जो हम रेगुलर स्केल से ड्राइंग आइसोमेट्रिक करते हैं व्यू, तो उसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बोलते हैं, और आइसोमेट्रिक स्केल से हम जो ड्राइंग आइसोमेट्रिक व्यू निकालते हैं उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसका फ़ायदा किधर होता है, समझो एक प्लेट है, प्लेट पर हमने हेमिस्फीयर रखा, ये हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर यानी बॉल या गेंद जो रहती है हमारे क्रिकेट की, तो उसमें आधा कट किया तो उसको हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो हेमिस्फीयर एक प्लेट पर रखा, तो इसका जो सेंटर है ये सेंटर, और ग्राउंड पर जो टच होता है वो सेंटर, उसमें डिस्टेंस जो रहता है वो आइसोमेट्रिक स्केल उतना लेना पड़ता है। जब हम आइसोमेट्रिक निकालते हैं तब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। अभी समझो स्पीयर जो है उसका डायमीटर है 60, ये डायमीटर उसका 60 है, तो 60 डायमीटर इधर दिखाया, 60 डायमीटर, तो लेंथ पीओ कितना लेना पड़ेगा वो देखो, लेंथ पीओ है उतना इधर से वो जो डिस्टेंस है आइसोमेट्रिक जो हम सर्कल निकालते हैं तब सेंटर से जितना डिस्टेंस लेते हैं चारों बाजू उतना ही पीओ डिस्टेंस है। तो पीओ डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा देखो, लेंथ पीओ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कंस्ट्रक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, तो ये कंस्ट्रक्शन निकालते समय ये पी से जितना डिस्टेंस लेंगे इधर से इधर इतना ही पीओ डिस्टेंस है, तो पीओ कितना लेना पड़ेगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.826 मिलीमीटर यानी डायमीटर बाय 2 यानी रेडियस हो गया, तो ये सॉलिड रेडियस ऐसा बोल सकते हैं हम। तो सॉलिड रेडियस कितना हो गया, डायमीटर है 60 उसका डिवाइड बाय 2 30 हो गया इंटू 0.826 मिलीमीटर, 0.826 मिलीमीटर का मतलब है 826 डिवाइड बाय 1000 यानी ये कैलकुलेशन करेंगे तो आता है 24.78, तो अप्रोक्सीमेटली 25, इधर जैसा कैलकुलेशन किया वैसा ही 25 mm हमें पीओ का डिस्टेंस मिला। तो ये जो पीओ का डिस्टेंस है वही हम चारों बाजू निकालना पड़ेगा। अभी पीओ का डिस्टेंस कितना है 25, तो कंपास में पहला बेस लाइन यानी बेस का जो प्लेट है उसका सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसका सेंटर, दोनों सेंटर लाइन जिधर कट होंगे उधर ओ पॉइंट मिला। अभी ओ पॉइंट से पी कितना लेना पड़ेगा वर्टिकल लाइन निकालते समय 25, तो इधर से हम ले सकते हैं 0 टू 25 यानी 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बराबर हाफ यानी 25 सेंटीमीटर इधर से हम ले सकते हैं इधर पी से ओ तक, यानी जो पी ओ डिस्टेंस है वो 25 रहेगा, और पी पॉइंट निकालने के बाद भी इधर से 25 25 25 25 यानी आइसोमेट्रिक स्केल पर जो आता है वो, ये निकालने के बाद जब आइसोमेट्रिक सर्कल निकालेंगे पी पॉइंट सेंटर लेंगे तब ये डिस्टेंस होगा 60 यानी टोटल डायमीटर सॉलिड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 60। तो इसलिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ये उपयोग होता है, फ़ायदा होता है। अभी ये पूरा स्फीयर भी निकाल सकते हैं, बेस का जो प्लेट का सेंटर है उधर से सेंटर निकालने के बाद ये जो पी पॉइंट आता है वो डायरेक्ट कंपास से पूरा सर्कल भी निकाल सकते हैं, ये सेंटर लिया इधर से जो इलिप्स आया इलिप्स का पूरा करेंगे तो पूरा सर्कल होगा, इसलिए पूरा गेंद जैसा आकार ये तैयार होता है। पूरा प्लेट पर कैसा रखने का और आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़ करके स्फीयर कैसा निकालना वो हमने आज सीखा। तो इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, आइसोमेट्रिक
प्रोजेक्शन का फायदा किधर करते हैं यह हमने आज सीखा। इसके लिए आज इतना ही आज, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।